Hello everyone, welcome to Testbook Super Coaching UGC Net YouTube channel and I'm here your paper 1 faculty Preeti. I hope everyone is fit and fine. So before starting the session, just to confirm about audibility so that we can start the session smoothly. Like जैसे कि आज आप लोगों ने इमेज में देख ही लिया है, आज का जो हमारा सेशन रहेगा अबाउट नॉर्थ ईस्ट सेट, इम्पॉर्टेंट ऑल्सो फॉर महाराष्ट्र सेट, एमपी सेट, नेट, राजस्थान सेट, थोड़े नए क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं और नॉर्थ ईस्ट लैट बेल्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेट में जो क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा मैंने उनको भी यहाँ पे प्रेफरेंस दिया है ताकि उनके लिए भी ये क्लास है काफी फ्रूटफुल रहे, राइट? तो जल्दी जल्दी मुझे एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए कमेंट सेक्शन में, और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज सेशन को लाइक शेयर जरूर करना है, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं देन डू सब्सक्राइब द सेम एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन है वो आप लोग बढ़ा पाए। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे फीडबैक जरूर देते रहिए, राइट? हाँ जी, तो मेरी जो फ्री क्लासेस के टाइमिंग है 3 PM मंडे टू फ्राइडे ऑन यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास रहती है ऑन ए टेस्ट बुक ऐप। तो क्लासेज आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं। इट्स बेटर कि आप लोग है ना दोनों क्लासेस को अटेंड करें। फ्री क्लासेस में भी वी ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट कंटेंट ताकि आप लोगों की उसमें काफी मदद हो पाए, राइट? सो आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया है। वेरी गुड आफ्टरनून वंस अगेन। एंड ये हमारी क्लास रहेगी, मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे पेपर 1 के और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो यूजीसी नेट जो जून साइकिल को अप्रोच करते हैं उनके लिए भी अपने आप में टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ मैं आज आप लोगों को टॉपिक भी करवाऊंगी, राइट? और बाकी आप मेरा पेड कोर्स भी ले सकते हैं। पेड कोर्स मेरा ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मेरा और तुलिका मैम का, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों जाएगा। लाइव रिकॉर्डेड शुरू हो चुका है, लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जल्दी ही आपका आने वाला है, विद इन 2-3 डेज आपका मैक्सिमम आ जाएगा। तो मेक श्योर आप फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच कोड, ठीक है? सो अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टाइमली आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, PYQ भी लगा सकते हैं, सिलेबस भी कवर कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 2 से 2.5 मंथ का ही एग्जाम टाइम हमारे पास पेंडिंग है, राइट? सो आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया है। कैन वी स्टार्ट द सेशन? यस यस, कैन वी स्टार्ट द सेशन। तो ये हमारा एक मैराथन सा सेशन रहेगा, मिनी मैराथन हम इसको बोल सकते हैं, मैगा तो नहीं बोलेंगे, वी कॉल इट ए मिनी मैराथन सेशन, राइट? क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन मैंने कोशिश किया है कि चाहे हम थोड़ा ही करें बट उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करके चले। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है असर्शन और रीजन बेस, और 2023 के अंदर मैं बात करूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं असर्शन, रीजन या स्टेटमेंट बेस। मतलब आपसे डायरेक्ट छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, आपसे बड़े क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं। तो बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। असर्शन बोलता है अर्थ आउटर कोर इज लिक्विड और एसिसमिक वेव कैनोट पास थ्रू द अर्थ आउटर कोर। इनमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, या फिर कौन सा उसकी एक्सप्लेनेशन देता है या फिर नहीं देता है। ये है आपके सामने इंग्लिश, उसके बाद मैं आप लोगों को हिंदी शो करती हूँ, देन यू विल बी एबल टू डू द सेम, राइट एवरीवन? जी, सो जल्दी जल्दी एक बार इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कर दीजिए। एंड ये है आप लोगों के सामने हिंदी जी। सो पृथ्वी का बाहरी कोर तरल है और अस भूकंपीय तरंग पृथ्वी के बाहरी कोर से नहीं गुजर सकती, राइट? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? इट इज ऑप्शन बी। इट मीन्स आपका ए और आर क्या है, दोनों करेक्ट है और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखिए अब एक एक बात को ध्यान से सुनिए। जो अर्थ का आउटर कोर होता है अबाउट 2200 किलोमीटर तक का, वो थिक होता है और मोस्टली उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है? लिक्विड आयरन बात करें या फिर निकल की बात करें, राइट? और इसके साथ साथ जो एस वेव्स होती हैं वो लिक्विड आउटर कोर से पास नहीं हो पाती हैं, लेकिन पी वेव जो होती हैं दे कैन पास इजिली, ठीक है? मैं इसका एक डायग्राम आप लोगों को दिखाती हूं ताकि आप लोगों को ये चीजें क्लियर रहे। देखो एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आपके पास क्या है, एक तरीके से ये डायग्राम दे रखा है। इधर आप लोगों ने देखा ये आपका एस्थेनोस्फेयर दे रखा है। अलग अलग जो अगर मैं पृथ्वी की बात करूं, इसके अलग अलग कोर आपने सुने, जैसे कि इनर कोर है, आउटर कोर है या फिर
मेंटल है, तो ये सारे अलग अलग आते हैं, क्रस्ट अलग अलग आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे। तो जो आपका इनर कोर है, ठीक है, 5100, ये डेटा आपको ऊपर नीचे अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग आपको मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये आपका क्या होता है, सॉलिड। आउटर कोर जो होता है अप्रोक्स 2900 किलोमीटर, ये होता है आपका लिक्विड। तो ये पार्ट आपका आ गया। ओके जी, उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला, मेंटल के अंदर क्या है, ये आपका एस्थेनोस्फेयर है, ठीक है, ये इसे क्वेश्चन नहीं आया है। और ये वाला जो क्रस्ट का पार्ट है, ये आपका 0 से 100 किलोमीटर तक, ये क्या है आपका, थिक है, ठीक है। मेन क्वेश्चन आपसे इन दो से ज्यादा पूछे गए हैं कि इनर कोर आपका सॉलिड होता है या लिक्विड होता है। तो आउटर आपका क्या होता है, लिक्विड, और इनर आपका क्या दे रखा है, सॉलिड दे रखा है। दूसरी चीज मैं बताती हूँ, आपने वेव सुना होगा, सेसमिक वेव्स होती हैं, एस वेव, पी वेव, अगर आपने अर्थक्वेक के अंदर ये काफी वर्ड आता है आपका, ठीक है। तो ये हमारा कोर, सॉलिड, लिक्विड, ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक एलिब्रेटी डायग्राम में दिखाया है। इसी डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, एस जो वेव है, ठीक है, जो शेडो जोन दे रखी है, राइट, एस वेव कैन नॉट गेट हियर बिकॉज ऑफ द लिक्विड आउटर कोर। लिक्विड आउटर कोर की वजह से, जो ये लिक्विड आउटर कोर है आपका, तो यहाँ पर एस वेव पास नहीं होता है, लेकिन पी वेव क्या हो जाती है, वो पास हो जाती है थ्रू द लिक्विड आउटर कोर। मतलब पी वेव क्या होती है, ये जो आपका लिक्विड आउटर कोर है, यहां से भी पास हो जाती है, बट जो बेंट रे पाथ होता है वो वहां पर गैप छोड़ देता है। यहां से तो बिल्कुल पास नहीं हुआ है ना, कैनोट पास है, यहां से आपका पास तो हो जाती है, बट यहाँ पर जो बेंडेड हो जाता है, बेंट हो जाता है, इस वजह से कुछ स्पेसेस यहाँ पे बच जाते हैं। देखो अब क्वेश्चन, अब अटेम्प्ट करिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए, राइट। अर्थ का आउटर कोर कैसा है, लिक्विड है जी। एस का जो सिस्मिक वेव कैनोट पास थ्रू द अर्थ आउटर कोर, राइट, क्यों, क्योंकि रीजन क्या है, ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एसेसमिक जो सिस्मिक वेव है एस वाली, वो नहीं पास हो सकती आउटर कोर से, क्योंकि अर्थ का जो आउटर कोर है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपसे नॉर्थ ईस्ट लेट में एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपसे डैम, रिवर, वो क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं सेट के एग्जाम्स में, मैच द फॉलोइंग में यही पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डैम टू द स्टेट दे बिलोंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द कोड। उमतरू, लोअर सुभाषरी, मैथॉन और हीराकुंड डैम। तो इनको ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बेल्ट के 5-6 क्वेश्चन वो जरूर पूछते हैं, उधर के एरिया से कोई डैम से पूछ लेगा, या वहां के फेमस पर्सनालिटी, वहां का कोई इनिशिएटिव पूछ लेगा, तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे आने के काफी चांस है। परफेक्ट, सो करेक्ट आंसर इसका क्या है, इट इज ऑप्शन बी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी विल बी माई करेक्ट आंसर। देखिए उमतरू, ठीक है, ये आपका कहाँ पे, मेघालय में। हीराकुंड आप लोगों ने सुन रखा होगा, ये ऊपर वाले नेम फिर भी थोड़े से ऑड लगते हैं, बट हीराकुंड डैम है, आप सभी ने सुन रखा है। हीराकुंड डैम कहाँ पे, आपका उड़ीसा में। डी का थर्ड कहाँ पे है, ओनली इन दिस ऑप्शन, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, गाइज वेरी गुड आफ्टरनून वंस अगेन, ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो याद रखिए वो ऑप्शन एलिमिनेशन से आपको सॉल्व करने का पक्का वो ऑल्टरनेट देगा, राइट। परफेक्ट, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, बर्चन, वाटरफॉल, मोरेन्स और मियंडर्स, ये अलग अलग स्टेजेस, रिवर का मैच्योर स्टेज क्या है, यूथ क्या है रिवर का, विंड एक्शन डिपॉजिट या ग्लेशियल डिपॉजिट, इनके अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं, तो बताओ इनमें कौन सा किसके साथ मैच करेगा। ये ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पता होगा, क्योंकि रिवर की स्टेजेस आती हैं, ठीक है, मैच की अलग आती है, मैच की अलग आती है, और उसके साथ साथ बाकी उसके जो चीजें हैं वो अलग आती हैं, तो वो बताइए आपका क्या रहेगा, राइट। परफेक्ट, जो करेक्ट आंसर, देखो बरखान है, झरने हैं, मोरेनस है, विसर्प है। नदियों की युवावस्था क्या होती है, नदियों की परिपक्व, हिमनद, ये सारी चीजें आपको बतानी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या रहेगा, यू कैन स्लाइड्स के अंदर बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी इसका करेक्ट आंसर। इसको भी हमें ऑप्शन से एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखो बर्चन क्या होता है, ये होता है विंड एक्शन डिपॉजिट होता है। देन वाटरफॉल, अगर आप इनसे देखो, वाटरफॉल यूथ स्टेज होगा या मैच्योर स्टेज होगा,
मैच्योर क्या है जो बड़ा हो गया, यूथ क्या होते हैं जो बड़े परिपक्व है, ठीक है। वैसे भी जो यंग होते हैं, यूथ होते हैं, उनको वाटरफॉल पसंद होते हैं, तो रिवर स्टेज जो होती है यूथ उसको वाटरफॉल बोला जाता है। मोरेन्स आपका क्या आ जाएगा, ये आपका ग्लेशियल डिपॉजिट है। एंड मेंडर्स, ठीक है, मेंडर क्या है, मी से मेंडर और एम से मैच्योर, तो ये मैच्योर स्टेज होती है किसी भी रिवर की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एसिड रेन इन सम इंडस्ट्रियल सिटीज आर ड्यू टू, किसकी वजह से होता है एसिड रेन। हाँ जी, एसिड जो रेन होती है इंडस्ट्रियल एरिया में किस वजह से है। ये बताइए, सो एसिड रेन आपकी किसकी वजह से है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। एक्सेसिव जो SO2 होता है इंडस्ट्रीज या कोल गैस इसको रिलीज करता है, उसकी वजह से एसिड रेन वो क्या होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आपको पता है SO2, देखो इसके दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड बोले या SO2 बोले, ये क्या होती है, कलरलेस गैस होता है, ठीक है, कलरलेस है, स्मेलिंग इसकी बैड होती है, टॉक्सिक होता है, और पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ केमिकल होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसको हम सल्फर ऑक्साइड्स भी बोल देते हैं। ये गैस स्पेशली जो एमिट करती हैं किसकी वजह से, क्वेश्चन आया हुआ है इस पे कि भी जो आपकी SO2 है उसके सोर्सेज बताइए क्या क्या हैं, तो वो कहाँ से निकल रही है। अगर वो आपने फॉसिल फ्यूल को जला दिया लाइक कॉल, ऑयल, डीजल को, या फिर कोई ऐसा मटीरियल जिसके अंदर सल्फर कंसिस्ट करता है लाइक इंडस्ट्रीज वगैरह से ये काफी रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका रिलेटेड टू, ये लगा लीजिए आपका ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ये सेट का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट स्टूडेंट, द ट्रायंगल रिप्रेजेंट प्रोफेसर, रेक्टेंगल क्या है स्टूडेंट, ट्रायंगल प्रोफेसर, एंड सर्कल किसको करता है म्यूजिशियन को, बताइए। हाउ मेनी प्रोफेसर आर बोथ स्टूडेंट एंड म्यूजिशियन, प्रोफेसर भी हो और प्रोफेसर कैसे हो स्टूडेंट प्लस म्यूजिशियन दोनों। प्रोफेसर देखो यहां पे क्या है, फोर, लेट सपोज फोर पिक किया, क्या फोर आपके एस के सर्कल में भी आया, यस। फोर आपका एम फोर क्या है, म्यूजिशियन, क्या आपके सर्कल इसके अंदर भी आया, सर्कल और रेक्टेंगल दोनों में, और आपको प्रोफेसर वो है ही, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन फोर ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, आंसर ए आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, Who among the following is not a Nobel Prize winner? इनमें से कौन से Nobel Prize winner नहीं है, और ये काफी क्वेश्चन पूछा गया, इवन टेट एग्जाम्स में भी ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, नेट टेट सेट के अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में आता है ये। अमृता सेन, सी वी रमन, होमी जहांगीर बाबा और रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से किसको Nobel Prize नहीं मिला हुआ। वेरी गुड, कीप आंसरिंग गाइज, ठीक है, आंसर करिए, आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आप नए नए सीखेंगे आज की सेशन से। गुड, सो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आपको अमृता सेन भी सुना है आपने इकोनॉमिक्स के लिए, सीवी रमन भी हमने, और रविंद्रनाथ टैगोर भी आपने सुना है गीतांजलि के लिए, तो होमी जहांगीर बाबा यहां से ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन लिस्ट टू, वी हैव साइंटिस्ट एंड देयर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो मैच करिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या एस चंद्रशेखर बोले, इनको एस चंद्रशेखर से काफी नाम आता है इनका, शांति स्वरूप भटनागर, श्रीनिवास आयनगर रामानुजन, या फिर MS स्वामीनाथन, तो कौन सा प्रोफेशन स्पेशलाइजेशन किसके साथ कनेक्टेड है, काइंडली इंश्योर ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व आंसर्स, एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। हिंदी देखिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, शांति स्वरूप, श्रीनिवास, MS स्वामीनाथन, परफेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है, इट्स ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, एस चंद्रशेखर किसके साथ कनेक्टेड है, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स शांति स्वरूप रिलेटेड विद केमिस्ट्री, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो श्रीनिवास, ये रामानुजन है, ठीक है, ये किनके साथ है आपके, आई गेस इट्स मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, और स्वामीनाथन रिलेटेड विद जेनेटिक्स। ओके, ऑप्शंस एलिमिनेशन से कर सकते हैं आप, ऑप्शन को एलिमिनेट करिए,
ठीक है, जैसे कि इधर अगर आप फर्स्ट में देखते हैं तो इन दोनों को वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इसको किया जा सकता है. अगला क्वेश्चन, मैच द एब्रीवेशंस एंड देयर एसोसिएटेड फील्ड, AIEU, CSIR, IARE और ISRO. दो नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुने हैं, CSIR और ISRO. अगर इन केस आपने IARE और AIU नहीं सुन रखा तो फटाफट ऑप्शन एलिमिनेशन से करिए क्वेश्चन को. परफेक्ट. सो आंसर क्या चला जाएगा, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन ए. आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा. AIU ये क्या है आपका, रिलेटेड विद एजुकेशन, रिलेटेड विद एजुकेशन. CSIR नेट सुना होगा आप सभी ने, ठीक है. रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च ये वर्ड आता फुल फॉर्म के अंदर भी. देन IARE, इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, इट इज एग्रीकल्चर. और लास्ट में इसरो. देखो फर्स्ट का आपने थर्ड है एलिमिनेट, एलिमिनेट. सेकंड का फोर्थ आपने निकाल दिया, एलिमिनेट. इसरो, इसरो आपने एक ही सुन रखा है. अलग अलग जो स्पेसेस को क्या करते हैं, जो लॉन्च करता है, तो ये वर्ड आपने सुना है, तो इट इज रिसर्च ऑन स्पेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द एब्रीवेशन NCT. NCT का करेक्ट आप लोग एब्रीवेशन बताइए क्या होगा. करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, काउंसिल फॉर टेक्निकल और काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, कमेटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन, NCTE. दो वर्ड्स हैं, कंफ्यूज मत होइएगा. एक AICT होता है, एक NCTE है, ठीक है. AICT किसके लिए है और NCTE किसके लिए है, इस चीज को ध्यान दीजिए. परफेक्ट. करेक्ट आंसर क्या है, इट इज ऑप्शन है. ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, सी. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है. देखो ये करिकुलम नहीं डिसाइड करता, टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल नहीं है, काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है. क्या काम करती है ये, अपडेट करती है टीचर्स को जो भी कंसर्न इश्यूज हैं, कंटेंट, मेथोडोलॉजी, इवैल्यूएशन उसके रिगार्डिंग, इन चीजों को डेवलप करने में मदद करती है. अपग्रेड करती है जो सर्विंग टीचर्स होते हैं उनके काम्स को, ठीक है, उन चीजों को इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करने में. जो भी नए रोल या टेक्नोलॉजीज होती है उनको इनिशिएट करने में हेल्प करती है और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है अनक्वालिफाइड और अंडर क्वालिफाइड ऑन द जॉब टीचर्स, और अपडेट और अपग्रेड करती है टीचर्स के नॉलेज को. कहीं ना कहीं टीचर्स के फेवर में, टीचर्स की डेवलपमेंट के लिए इसको क्या है, यूज किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन और ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट. सेट एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि पहले नेट में भी पूछे जाते थे, अगर मैं 17 तक की बात करूं, 2017 तक, बट अभी एग्जामिनर आपसे लंबे क्वेश्चन पूछता है, बड़े क्वेश्चन पूछता है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है. ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, राइट, ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए. परफेक्ट. सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, इट्स ऑप्शन ए. ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया है. कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कौन सा कमीशन था जिसने सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया था, सिर्फ उसी के फेवर में काम करता था और बड़ा सड़ियल से मूड का था, इट वॉज सैडलर कमीशन. और सैडलर क्या है, 17 की एज में बच्चों के मूड क्या हो जाता है, सैड. तो अब देखो फोर्थ का ऑप्शन टू है, फोर्थ का ऑप्शन टू देखिए, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट. सेकेंडरी किसका नाम था, राधा कृष्ण के बाद कौन आया, सेकेंडरी कमीशन था. सबसे पहले आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था. तो जैसे ही आजादी मिली थी 48 के अंदर आपका क्या आया था, थर्ड आ गया, इसका ऑप्शन मैच कर दिया. इसके जस्ट बाद आपका क्या आ गया था 52 में, सेकेंडरी. और कोठारी कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, ये आपका 64-66 तक, ठीक है. ये थोड़ा सा यहां मैच कर दीजिए, हाँ जी, क्योंकि बच्चे छोटी छोटी चीजों को नोट करते हैं कि आपने कहाँ मैच कर दिया, कैसे गलत कर दिया जी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए भारत रत्न रिसिप्टेंट. इस सेशन को देखिए, लाइक और शेयर करते रहिए. आई नो इट्स ये आपका रिकॉर्डेड है, ये प्रीमियर है आपका सेशन, बट यहाँ पर मैंने आपके साथ नहीं, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली इशू था, जिसके फैमिली इमरजेंसी थी, जिसकी वजह से मुझे आउट ऑफ स्टेशन आना पड़ा, ठीक है. तो थोड़ा सा आपको भी कॉपरेट करना पड़ेगा. सो लाइक शेयर जरूर करिए, बेशक मैं आपके साथ लाइव नहीं हूँ, बट स्टिल मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए मैंने सेशंस को रिकॉर्ड किया है, राइट. Who among the following is not a Bharat Ratan recipient?
तो इनमें से कौन से भारत रत्न रिसिप्टेंट नहीं है? सीवी रमन, विश्वेश्वरिया, अमृता सेन और वीके आर वी राव। तो इसका आंसर क्या रहेगा? वीके वी राव, वीके आर वी राव, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेज द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम और नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा रहता है? परफेक्ट, इट वॉज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है ये? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। परफेक्ट गाइज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेट, इंटरनेट फैसिलिटी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट सर्व एज द लार्जेस्ट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोवाइड मोस्ट डिपेंडेबल एंड लेटेस्ट मोड ऑफ सेंडिंग ई मेल, ओके जी, रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन कम्युनिकेशन ई मेल इज वेरी हाई और ऑफन मिस यूज एंड ट्रिगर्ड साइबर क्राइम, चूज द बेस्ट वन। हिंदी देखिए, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है यहां पे, ठीक है? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। देखो, लार्जेस्ट ऑनलाइन सिस्टम देता है, यस देता है, डिपेंडेंट और लेटेस्ट मोड देता है, देता है, उसके बाद कम्युनिकेशन ईमेल के अंदर जो खर्चा क्या बहुत ज्यादा हाई है? नो, मिसयूज और यहां पर साइबर क्राइम तो होते ही होते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। अगला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट इज कॉल्ड, ध्यान दीजिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे, इकोलॉजी या इकोसिस्टम, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, आई विल एक्सप्लेन दैट। दोनों के जो इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में, हम उसको क्या बोलते हैं? यस, इट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ओके, देखो, इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द रिलेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। क्या बोला है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट क्या होता है? सो क्या होगा ये? इकोलॉजी होगा। ओके जी, लिविंग कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन एनी एरिया टूगेदर विद द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, सोल, एयर, वाटर कॉन्स्टिट्यूट, ये आपके क्या है जो भी इकोसिस्टम के साथ रहते हैं। बट इसी इकोसिस्टम को स्टडी करना, ये जो पूरा इकोसिस्टम है ना, लिविंग नॉन लिविंग का, कम्युनिटी का, अलग अलग कम्युनिटी है, लिविंग कम्युनिटी प्लांट एनिमल है, नॉन लिविंग में सोल एयर वाटर है, तो इनका जो इकोसिस्टम है उसको स्टडी करना क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी किस चीज की ब्रांच है? बायो की ब्रांच है, जो रिलेशन को कंडक्ट करती है, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे क्या करना है? आंसर करना है। अगला क्वेश्चन, इसको स्किप कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पेपर वन के परस्पेक्टिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड पर्सन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पीरियोडिक टेबल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, किसने दिया? जी हाँ, सो इट्स आंसर इज ऑप्शन, आंसर क्या चला जाएगा? एलिमिनेशन से ही करना है, आंसर क्या है? इट इज ऑप्शन ए। तो देखो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इट इज कनेक्टेड विद आइंस्टाइन, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ए का फोर्थ देखो, दो का एलिमिनेट, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मेंडलेव आ गया आपका, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, ये मेंडल आ गया, और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। देखो, ऐसा एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन पे जरूरी नहीं आप लोग बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, ठीक है, एक्सेप्शन आ भी जाता है तो यहाँ पर आप तुक्का भी लगा सकते हैं। ऑप्शन, जब भी आपको एक आध ऑप्शन आता है, बेस्ट ऑप्शन को चूज करके एलिमिनेशन से, क्योंकि इतनी सारी थ्योरीज हैं, हम लोग बहुत सारी थ्योरीज को याद भी नहीं रख सकते हैं, राइट? बुक्स वगैरह पूछी जाती है सेट एग्जाम्स में, कौन सी बुक है, कौन से ऑथर्स है? इंडिया विन फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और गीतांजलि। तो बताइए इनके ऑथर कौन कौन है? मोस्टली आई गेस मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये सारे बुक्स का नेम सुन रखे हैं। लाइक शेयर करते रहिए सेशन को प्लीज, और इम्पॉर्टेंट फाइल और अपडेट, कल का फाइल और आज का फाइल आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अभी बैच के लिए आप लोग वेट मत करिए, बहुत ज्यादा लेट नहीं करना आपको, राइट? अभी अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि टाइमली आपका प्रैक्टिस प्लस आपका कोर्स है, दोनों चीजें साथ साथ चलती रहे। यस, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? इट इज ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। देखिए,
इंडिया वन विन फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है, जवाहरलाल नेहरू की, ओके। सेकंड का फर्स्ट कहाँ पे है, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये तो मूवी भी आप लोगों ने आई गेस देख रखा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, संजय बैरो। गीतांजलि क्या है, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। एटलीस्ट आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया और गीतांजलि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये जरूर आपने सुन रखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर नीडेड फॉर प्रेजेंट डे टीचर्स टू एडजस्ट इफेक्टिवली विद द क्लासरूम टीचिंग। कौन से स्किल्स है नीडेड रहते हैं आजकल के टीचर्स के लिए, तो सो दैट वो इफेक्टिवली एडजस्ट कर पाए क्लासरूम टीचिंग के अंदर। टेक्नोलॉजी नॉलेज, टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट नीड और कॉन्टेंट मास्टरी। जी आंसर इज ऑप्शन सी। स्लाइड कुछ ब्लैंक है बीच में, आई डोंट नो कैसे। सो आंसर क्या रहेगा, टेक्नोलॉजी भी पता होना चाहिए उसको, स्टूडेंट की जरूरतें क्या है, कंटेंट में भी उसकी मास्टरी होनी चाहिए। सिर्फ टेक्नोलॉजी के नॉलेज बहुत ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट इसी के अंदर आ जाता है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ सी ऑप्शन क्या है, ज्यादा चीजों को कवर करता है। ये बताइए कौन सा डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ, तेहरी, सरदार सरोवर, इंदिरा गांधी कैनाल और नागार्जुन सागर। अर्जुन वर्ड कहाँ पे सुना है, उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी नदी के ऊपर कौन सा डैम ये बना हुआ है। छोटे क्वेश्चन इसलिए मैंने थोड़ा सा कम टाइम दिया है, राइट, परफेक्ट जी। सो इट इज आंसर ए, क्या रहेगा आंसर ए रहेगा, तेहरी डैम, ठीक है, भागीरथी नदी के ऊपर है। उसके बाद सरदार सरोवर कहाँ पे है आपका, नर्मदा। नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन आपका कहां पर है, कृष्णा। बस डी का फोर ए का फाइव, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पर्टिकुलेट मैटर पॉल्यूटेंट आर यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ ए क्यू आई। ए क्यू आई को जब कैलकुलेट करते हैं तो कौन से पॉल्यूटेंट्स का यूज किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी एग्जाम, नेट सेट आप कोई भी एग्जाम अपेयर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या जो पर्टिकुलेट मैटर है, कौन से टाइप ऑफ पर्टिकुलेट मैटर है, पॉल्यूटेंट है, जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को उसमें यूज करने के लिए हम सुनते हैं। सबसे ज्यादा आपने किसका नाम सुना हुआ है ये आपको बताना है। आई डोंट थिंक सो इसका हिंदी दिखाने का जरूरत है, आपको पता है, या तो आपने पीएम 10 सुन रखा है, ये माइक्रोन साइज, पीएम 10 का मतलब माइक्रोन साइज क्या है, 10 या उससे लेस, ठीक है। इसका 2.5 ये क्या है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रहता है पीएम 10 आपका। तो बी और सी कहाँ पे आपका, सी ऑप्शन के अंदर। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी। आपको पता है कुछ कॉन्सेंट्रेशन होता है पॉल्यूटेंट्स का, जिसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, इस ए क्यू आई को कैलकुलेट करते हैं। आपके शहर में भी आपने देखा होगा, राइट, लाइक ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पीएम 2.5 कितना है, राइट, या पीएम 10 कितना है। तो इन बहुत सारी चीजों को यहाँ पर क्या किया जाता है, चेकआउट किया जाता है, और उसी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि एयर क्वालिटी पुअर है, वेरी पुअर है, किस तरीके वर्स्ट में आ जाती है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे बहुत अच्छा एक्यूआई आया था, है ना। तो 8 पॉल्यूटेंट होते हैं, नेमली पीएम 10, पीएम 2.5, ओजोन 3 को O3 बोलते हैं। अगर मैं बात करूं 2022 के अंदर, सॉरी, हाँ 22 का आई गेस स्टार्टिंग के अंदर जो साइकिल हुआ था, नॉट श्योर 21-22 जो भी था, वहां पर यही नाम पूछे थे, O3 किसके लिए है, ओजोन को, SO2 किसके लिए है, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, लेड PB और अमोनिया NH3। ये भी आपको याद रखनी है, कुछ मेजर मेजर पैरामीटर्स हैं जो AQI को डिसाइड करने में, कैलकुलेट करने में मदद करते हैं, ठीक है। पीएम गेट क्या होता है, फिल्टर हो जाता है, पीएम 10 फिर भी ठीक माना जाता है, क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है विद द हेल्प ऑफ नोज है, इसको फिर भी हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन पीएम 2.5 इतना ज्यादा बारीक होता है, जिसको हमारे कहते हैं नोज के हेयर्स, आंखों के थ्रू और नोज हेयर्स के थ्रू, नोज के थ्रू भी एंटर कर जाता है, तो इट इज मोस्ट हैजार्डियस फॉर ऑल। ये आपको मेंशन भी किया गया है, राइट, अगर 0 से 50 है तो कंसिडरेबल गुड, 51 से 100 सेटिस्फेक्ट्री, 101-200 मॉडरेट, दिस इज पुअर, दिस इज वेरी पुअर एंड दिस इज सीवियर। इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड देयर प्रोविजंस, मॉनिटरी प्रोटोकॉल, क्योटो कन्वेंशन, बायोडायवर्सिटी और इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
हिंदी देखिए। गाइस सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। उसके साथ साथ शाम को 7 बजे हम ऐप पे मिलेंगे, ऐप पे हम लाइव मिलेंगे, ठीक है। ऐप पे हम लोग लाइव क्लास अटेंड करेंगे, सो मेक श्योर आप टाइम पे ज्वाइन करें, क्योंकि शाम तक थोड़ा इशू है वो फिक्स हो जाएगा, इसीलिए आज सेशन क्या है, प्रीमियर है। वेरी गुड, सो आंसर इज ऑप्शन डी, आंसर इज ऑप्शन डी, मॉनिटरल प्रोटोकॉल, ठीक है, रिलेटेड विद कंट्रोलिंग कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ एलॉन्स, क्योटो प्रोटोकॉल, एमिशन, कार्बन एमिशन ट्रेडिंग, ये सुना होगा, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्लीन हाउस मैकेनिज्म, सोलर अलायंस, एनर्जी से रिलेटेड है। 25 क्वेश्चंस करेंगे। इन विच ईयर ऑल इंडिया काउंसिल AICT एक सैचुरेटरी बॉडी कब सेटअप किया गया बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, 86, 87, 88, 189। यहाँ पे आई गेस कुछ टाइपिंग एरर हुआ है, तो भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, सो इट इज आंसर बी, ठीक है। 87 के अंदर क्या हुआ, सेटअप किया गया एज ए सैचुरेटरी बॉडी, क्योंकि अगर मैं AICT की बात करूं, ठीक है, इसको 1945 के अंदर फर्स्टली क्या किया गया था, एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पे लिया गया था, ठीक है, लेकिन 87 में क्या हुआ, इसको सैचुरेटरी बॉडी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू से, और ये क्या करती है, प्लानिंग कोऑर्डिनेशन करती है, जो भी टेक्निकल एजुकेशन या मैनेजमेंट है उसके रिलेटेड, तो उसके बारे में सारे क्या लेती है, ये डिसीजंस लेती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन में थोड़ा बहुत नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, हेल्पिंग इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप एक्वायर सोशल वैल्यूज कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट अवेयरनेस नॉलेज एटीट्यूड स्किल जी, इट इज द इन्वायरमेंटल एटीट्यूड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, ये आप लोगों का रहेगा होमवर्क। प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकेडमिक काउंसिल एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो होती है, अकेडमिक काउंसिल है, उसकी मेन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइए क्या क्या होती है, इसका आंसर आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव, यू लाइक इट, सो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। शाम को मिलेंगे 7 बजे ऐप सेशन के अंदर, जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे पेपर 1 के, इन व्यू ऑफ सेट और नेट एग्जाम जो भी आपके हैं, ठीक है। जल्दी ही सेट जैसे ही हमारे वाइंड अप हो जाते हैं, यूट्यूब पे हमारी थ्योरी क्लासेस चलेंगी, क्योंकि अभी थोड़ा थ्योरी पे हम ज्यादा फोकस करेंगे नेक्स्ट वीक से, ताकि आप लोगों की एग्जाम्स के अंदर वो चीजें भी इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि 26 तक सेट वाइंड अप हो जाएंगे मोस्टली। नॉर्थ ईस्ट है, राजस्थान है, नॉर्थ ईस्ट तो आपका 19 को हो जाएगा, और या फिर आपका जो महाराष्ट्र सेट है ये आपके वाइंड अप हो जाएंगे, तब हम थ्योरी कॉन्सेप्ट करेंगे, ताकि नए स्टूडेंट्स भी उस चीज को वर्कआउट कर पाए उसके ऊपर, और अकॉर्डिंगली अपनी प्रैक्टिस भी कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ये आपको मिल जाएगा इसका PDF बाय द एंड ऑफ द डे टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, सो लाइक शेयर मैक्सिमम करना है। थैंक यू अगेन।